स्वयं नियम से रह करके 41 दिन सुंदरकांड का पाठ करें, पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और संपुट, तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, सारे कुछ संपुट शुद्ध सिद्ध किए हुए संपुट हैं, आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी दरिद्रता है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो जिमिसरित एक चौपाई बोल करके इस चौपाई का संपुट रख दें, जिमिसरिता सागर पह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पह जाए सुहाए। इसका संपुट लगाए, इसका संपुट लगाए। जय सियाराम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनकी प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट उद्घोष करते हैं। ये उद्घोषणा है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मनुष्य को सभी समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। राम विमुख, हनुमान विमुख व्यक्ति को कभी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी हम हनुमान जी के साधना में उतरते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इतना तो तय है, यह स्वाभाविक है और गलत भी नहीं है कि मनुष्य सांसारिक मनोरथों को पूर्ण कराने के लिए जब वो संकटों में फंसता है तब हनुमान जी की याद आती है, और धीरे धीरे ये भक्ति जब आगे बढ़ती है तभी निष्काम अवस्था को प्राप्त होता है। शुरू में तो सकाम भाव ही रहता है और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। चार प्रकार के भक्तों की जो चर्चा की गई है उसमें सकाम भक्ति भी है कि किसी कामना के तहत, मनोरथ के तहत व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करे, उनको पुकारे, उसके मनोरथ सिद्ध हो जाए और हनुमान जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ जाए और उसके बाद श्री हनुमान जी राम से मिलन करा दें, जो आखिरी ध्येय है हनुमान जी का कि अपने भक्तों को प्रभु श्री राम से मिलन करा देते हैं। राम मिलाए राजपद दिन्हा। अभी पिछले दिनों महात्मा इस मुलाकात हुई, जिनको अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विभीषण जी को जब मिले हनुमान जी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी ने एक महामंत्र दे दिया विभीषण जी को। वो कौन सा मंत्र था जिससे कि वो राजा बन गए? हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने मान लिया और उसके बाद राजा बन गए। तो जो महामंत्र था वो राम का ही नाम था, राम नाम का महामंत्र दे दिया विभीषण को। विभीषण को श्री हनुमान जी ने ऐसी ऐसी युक्तियां बताई कि जिसके सहारे प्रभु श्री राम से मिलन संभव हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मन के संशय को, भ्रम को दूर किया हनुमान जी ने। बहुत बार भक्तों के मन में इस तरह का संशय बैठ जाता है कि वो भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है, वो पूजा कर रहे हैं, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं बीच बीच में, आप भक्तों से बातचीत भी होती है, जिसमें हम तो देखते हैं कि लगभग 90-95% लोग अकारण ही भयभीत रहते हैं और वो कहते हैं कि उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, वो पूजा में सुबह करना था शाम को उन्होंने कर लिया, घी का दीपक जलाना था तेल का जला लिया, सरसों के तेल का, कहीं इसमें त्रुटि तो नहीं। तमाम तरह की जो ये मन में जो भय की अवस्था है वो पनपने लगती है और यही भय की अवस्था आ गई थी विभीषण के मन में, जिसको श्री हनुमान जी ने दूर किया। विभीषण के मन में आ गया था कि तामस तन कछु साधन नाही, मेरी तो कोई ऐसा कोई साधन भी नहीं है, ये तामसिक शरीर है, प्रभु श्री राम कैसे स्वीकार करेंगे। तो हनुमान जी ने इस भ्रांति को दूर किया था कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, वो ये युक्ति बता दी जिससे कि प्रभु श्री राम से मिलन संभव है। तो पहली बात तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि किसी भी प्रकार की गलती जानबूझ के ना करें, अनजाने में गलतियां हो ही जाती है, ये स्वाभाविक है, गलती हो जाए, हम चाहे कितने भी नीच हो, अधम हो, लेकिन हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, ये भाव सिर्फ बना रहे उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति कई बार जब मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो घबरा जाता है, बहुत जल्दी उसकी श्रद्धा डिगने लगती है, उसके भीतर का जो भाव है वो बदलने लगता है और अब तक जो श्रद्धा युक्त वो व्यक्ति बातें कर रहा था अश्रद्धा की बातें करने लगता है, ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम तो जब जब
महात्माओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जो उधर से बातें बताई जाती हैं वो यही इसका मूल स्वरूप होता है कि हमें धीरज रखने की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार से हनुमान जी का आराधना कीजिए, मान जाएंगे हनुमान जी, सुनेंगे जरूर, इतना तय मानिए, थोड़ा धीरज रखिए, वो सुन लेंगे। पिछली बार जब बातचीत हुई थी महात्मा जी से, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो सांसारिक कामनाओं से परेशान रहते हैं उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों के सामने धन की परेशानी, रुपए पैसे की दिक्कत, जीवन यापन, चूँकि आजकल का जो युग है आर्थिक युग है, घोर आर्थिक युग है, इसमें बगैर रुपए पैसे के काम चलता नहीं है, इससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर संपुट लगा करके एक सिद्ध मंत्र है जिसका अगर हम एक नियम ले लें 11 दिन 21 दिन या 41 दिन का नियम ले लें, 41 दिन का ले लें तो बहुत बढ़िया, अब उसमें महिला भक्तों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो 41 दिन कैसे लें, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले वो नियम ले लें 11 दिन 21 दिन या 41 दिन का, बहुत अच्छा है कि आप 41 दिन का एक नियम ले लें और संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भी आवश्यकता होती है किसी भी पूजा पाठ के लिए संयम की, उसका पूरी तरह से आप पालन कीजिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसमें एक संपुट लगाने के लिए सिद्ध चौपाई है। पहले संपुट क्यों लगाएं? संपुट का अर्थ होता है एक ऐसा पात्र जिसको कह सकते हैं जिसमें कोई चीज़ें रखी जाती हैं और उसको दोनों तरफ से उसको ढक दिया जाता है, दोनों तरफ से उसको ढक दिया जाता है कि जैसे ऊपर से भी ढक दिया, पीछे से भी ढक दिया, एक बर्तन में किसी चीज़ को रख दिया। संपुट का अर्थ होता है उसको चारों तरफ से कवर कर देना, उसको बांध देना, उसको घेर देना। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि जो भी हम मंत्र चौपाई या पाठ करते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर सत्ता को जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं किसी भी ईश्वर का, देवी देवता का, तो हम उन तक उस मंत्र के जरिए अपनी बातें पहुंचा रहे होते हैं और उसको एक पात्र में ढक कर के अगर हम उसको पहुंचाएं तो हमारी जो मंत्र है, जो हमारी कामना है, हमारी जो पुकार है, हमारी जो भक्ति है, वो श्रद्धा है, बिल्कुल एक वेग के साथ सुरक्षित तरीके से वहाँ ईश्वर सत्ता तक, देव सत्ता तक पहुँच जाती है। तो उस जो कवर हम लगाते हैं संपुट का अर्थ यही होता है, देव सत्ता को प्रेषित करते हैं उस पर कवर लगा करके, तो इसका बड़ा विशेष महत्व होता है और इससे हमें शीघ्र ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो संपुट का बड़ा विशेष महत्व है। तो जो भी आप नियम लें किसी भी शुभ दिन से इसको शुरू कीजिए हनुमान जी की पूजा करने के बाद, और हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो उसके पहले ये संपुट लगा लीजिए, इससे धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है और ये महात्मा जी का कहना है और ये श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके अर्थ को जब आप जानेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से कई बार होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो हमसे दूर होने लगता है और कुछ चीज़ें अकारण ही हमारे पास आने लगती, उसका कोई कारण नहीं होता, वो आने लगती है हमारे पास। तो हनुमान चालीसा करने के पहले जब आप इसको शुरू कर रहे हो किसी शुभ दिन से तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी की एक बार वंदना कर लीजिएगा और प्रभु श्री राम का सुमिरन करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले प्रत्येक चौपाई में लगाना है, प्रत्येक चौपाई में, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, उसके पहले लगाना है। लगाना क्या है कि जिमि सरिता सागर महु जाही, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म सील पही जाही सुभाए। इसका अर्थ क्या है कि जिमि सरिता सागर महु जाही, जिस प्रकार से नदियां सागर यानी समुद्र की तरफ दौड़ी चली जाती हैं, भागी चली जाती हैं, यद्यपि ताही कामना नाही, हालांकि ऐसी कोई नदियों की इच्छा नहीं होती, अकारण ही दौड़ी चली जा रही हैं समुद्र की तरफ, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, इसी प्रकार से ये जो सुख संपत्ति है जिसके पीछे हम भागते हैं ये बिन बुलाए ही हमारे पास चली आती हैं अगर हम धर्मशील पही जा ही सुभाए। जो धर्मशील व्यक्ति हैं, जो हनुमान जी की शरण में हैं, जो प्रभु श्री राम की शरण में हैं, उनके यहाँ ये संपत्तियाँ, सुख संपत्तियाँ बिन बुलाए आ जाती हैं, भाग के चली आती हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, इनकी कोई कामना की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चल करके हमारे पास आ जाती है। तो ये सिद्ध चौपाई है।
तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बीमल यश जो दायक फलचार, उसके पहले ये कर लेना है और जब ये चौपाई हो जाए तो फिर इसको कर लेना है। जिमि सरिता सागर मोह जाही, यद्य पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। और फिर अगला जो चौपाई है उसको पढ़ें। तो इसके बारे में महात्मा जी का कहना है कि 11 दिन 21 दिनों में ही आप चमत्कार देखना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलने शुरू हो जाएंगी, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तरक्की के, उन्नति के, धन आगमन के कई रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर की सत्ता में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, सब यानी सब। हनुमान जी कृपा कर दें तो व्यक्ति के जीवन में सब संभव हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कमी रहती ही नहीं है। हर प्रकार की चिंता भय से मुक्त होकर के, क्योंकि ईश्वर की कृपा का जो पहला लक्षण है, कई बार तो लोग हमसे बातचीत करते हैं और कहते हैं किस तरह की परेशानी में हैं और हम तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा। तो हम उन्हीं से पूछ बैठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या ये चौपाई आती है आपके सामने कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी का सुमिरन करेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने समय निर्धारित नहीं किया है कि 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, उन्होंने शर्त निर्धारित की है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। मन से, कर्म से, वचन से और ध्यान से आप अगर हनुमान जी को पुकारेंगे तो हनुमान जी तत्क्षण कृपा कर देंगे। इसलिए ये कहना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि हम तो पाठ कर रहे हैं हनुमान जी ही हैं कि नहीं सुन रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृपा अगर नहीं हो रही है, किसी प्रकार की संकट है, हमारे मन में कोई दुश्चिंता हमें घेरे हुए है, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी कैसे संकट छुड़ाते हैं, जिन शर्तों की बातें की हैं उन शर्तों को हम अभी पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी से सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था कर दें, हमारे भीतर ये भाव पैदा कर दें कि हम मन, कर्म, वचन से और ध्यान से हम एक होकर के हनुमान जी को पुकारना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा कर देंगे। तो जो लोग भी धन की समस्या से परेशान हैं वो एक संयम लेकर के या प्रतिदिन, अभी तो सवाल ये भी आ रहा था कि होली है, होलिका दहन है, होलिका दहन के दिन यानी आज और होली के दिन यानी कल जो होली है उस दिन भी अगर इस चौपाई का आप जप करके करते हुए यानी संपुट लगा करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो धन संबंधी समस्या है ये दूर हो जाएगी। अन्य बहुत से उपाय हैं, पहले भी चर्चा हुई है, एक तो है जो कि बालकांड में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रभु श्री राम ब्याह करके घर आए हैं कि जपते राम ब्याह ही घरे आए, ये भी महामंत्र है। लेकिन कुछ जो चौपाइयाँ होती हैं ये संतों ने उसको करके देखा है और उसके फलाफल से वो परिचित हैं, उसी प्रकार से ये जो चौपाई हमने अभी बताई है बालकांड से लिया गया है ये, और इसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको धन के लिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, धन आपका पीछा करता हुआ स्वयं आपके पास चला आएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियाँ स्वयं समुद्र की ओर भागने लगती हैं और जा करके वहाँ मिल जाती हैं, बस आवश्यकता इस बात की है कि हम हनुमान जी की शरण में रहें, पूर्ण विश्वास करें, क्योंकि संकट की स्थिति है तो संकटों से उबारने वाले, संकटों से बचाने वाले, संकटों से छुड़ाने वाले सिर्फ हनुमान जी ही हैं। ये पूर्ण विश्वास रखें, हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। जय सियाराम।